हेलो नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग ज्योग्राफी डोमेन के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे, पेपर पैटर्न, क्वेश्चन का ट्रेंड देखेंगे, कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम इस जो है सेशन में कवर करने वाले हैं। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीयूटी 2025 के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप ज्योग्राफी को एज ए डोमेन सब्जेक्ट ऑप्ट करने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो जो भी बच्चे ज्योग्राफी डोमेन ले रहे हैं इसको लास्ट तक देखेगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि सबको पता चले कि भाई ज्योग्राफी का सिलेबस बहुत शानदार तरीके से इस वीडियो में जो है अभी डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है। तो सारी चीज़ें देखेंगे, पैटर्न भी देखेंगे, सिलेबस भी देखेंगे, क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, हर चीज़ यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम सूरज कुमार है और मैंने अपना ग्रेजुएशन जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ज्योग्राफी ऑनर्स में ही कंप्लीट किया है। तो आज हम लोग ज्योग्राफी के सिलेबस के बारे में बहुत शानदार तरीके से डिस्कस करेंगे, ठीक है। पिछले 4 सालों से मैं सीयूटी के फील्ड में काम कर रहा हूं और कुछ साल हमने ज्योग्राफी पढ़ाया, पिछले बार हमने हिस्ट्री भी पढ़ाया था और रीजनिंग में चार सालों से पढ़ा रहा हूँ। पिछले वीडियो में हमने रीजनिंग के सिलेबस के बारे में डिटेल डिस्कशन करी है, जाकर के उसको भी देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, सीयूटी से रिलेटेड हर एक अपडेट यहाँ पर आपको मिलती है और तैयारी भी कराई जाती है। तो 2025 के लिए अगर आप सीयूटी यूजी हो, पीजी हो, सीएचएस हो, कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे जो है बैचेज लॉन्च हो चुके हैं, आप इसमें इनरोल कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं और आज के अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। सबसे पहला हम यहाँ पर पैटर्न समझ लेते हैं, ठीक है। जैसा कि आपको पता भी होगा पहले से, आपने अगर आप फॉलो कर रहे हो हमारे चैनल को तो पता होगा, ठीक है, क्योंकि पैटर्न आपका सेम ही रहता है सारे डोमेन सब्जेक्ट्स का और लैंग्वेज का पैटर्न सेम है, पेपर पैटर्न। टोटल क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं 50, जिसमें से 40 आपको बनाने होते हैं। तो इसमें से 10 क्वेश्चन जो है वो ऑप्शनल होते हैं। तो बाय द वे अगर आपको 10 क्वेश्चन नहीं भी आ रहे हैं तो भी आपका यहाँ पर काम हो जाता है, तो आप 10 छोड़ भी सकते हो, ठीक है, 10 छोड़ दो, 40 ही बनाने होते हैं। तो जो ज़्यादा टफ लगेंगे उसको हम छोड़ देते हैं और जो हमको आते रहते हैं 40 हम उसमें से बना लेते हैं, ठीक है। आप ड्यूरेशन देखते हैं तो ड्यूरेशन यहाँ पर 45 मिनट आपको दिया जाता है, काफ़ी मतलब होता है 45 मिनट आप इसमें कर सकते हो, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो सही से तो एग्ज़ाम से पहले अगर आपने टेस्ट सीरीज दिए हैं, टेस्ट दिए हैं, तो आप आराम से इसको 45 मिनट में कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पर टोटल मार्क्स, तो टोटल मार्क्स एक क्वेश्चन होता है 5 नंबर के, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 40 है तो 40×25 200 नंबर के यहाँ पर हो जाते हैं। और माइनस मार्किंग भी है यहाँ पर, ध्यान देना, अगर एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपके एक नंबर यहाँ पर कट जाते हैं, ठीक है, ये बात हो गई। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग टाइप ऑफ क्वेश्चंस के देख लेते हैं कि क्वेश्चन जो है किस टाइप के आते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। तो जब हम क्वेश्चंस देखते हैं तो क्वेश्चन भी ना अलग अलग प्रकार के पूछे जा रहे हैं। वैसे तो आप जानते हो कि मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यू टाइप होता है, लेकिन यहाँ पर उसमें भी अलग अलग वेरिएशंस है, पूछने के अलग अलग तरीके हैं क्वेश्चन को। तो पहला यहाँ पर आता है, पहला तरीका इनका है सबसे, जो कि सबसे ज़्यादा पूछते हैं वो होता है एमसीक्यू वाला, ठीक है, एमसीक्यू वाला, ठीक है। तो एमसीक्यू वाला कैसे कि एक क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, कि बताइए इसमें से जो है इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का क्या मतलब है, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का मतलब क्या है तो वो यहाँ पर दे देगा, ठीक है। नियो डिटर्मिनिज्म यहाँ पर किसने दिया था, उसका नाम बताइए। तो 4 ऑप्शन होंगे जिसमें से एक को आपको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो ये हो गया एमसीक्यू टाइप, जिसमें से लगभग आप देखोगे 25 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं एमसीक्यू टाइप वाले, ठीक है। 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से एक को आपको सेलेक्ट करना होता है। दूसरा होता है यहाँ पर पैसेज वाला भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है, पैसेज, और 2023 में तो डायग्राम भी बना करके दिया गया था, ठीक है, डायग्राम दिया गया था, उसमें से क्वेश्चन पूछे गए। जैसे मिनरल रिसोर्स दे दिया, एक मैप बना दिया और इसमें पूछा गया कि ये कौन सा जो है कौन सा मिनरल यहाँ पे पाया जाता, ठीक है, तो वैसा कुछ करके बना करके दे दिया जाएगा, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर बताना होगा। तो पैसेज और डायग्राम को लेकर के यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर 40 क्वेश्चन होते हैं इधर, 40 के बाद 41 से लेकर के 50 तक आपको यहाँ पर पैसेज वाले क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो पैसेज वाले क्वेश्चन यहाँ पर 10 क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं, ठीक है, पैसेज वाले क्वेश्चन। देन यहां पर आ जाता है आपका मैच करने वाला क्वेश्चन, ठीक है, कि आपको देखो एक तरफ जो है, एक तरफ कुछ दे दिया गया चार्ट, ठीक है, शहरों के नाम दे दिया गया, ठीक है, और पूछेगा कि ये जो है किस लिए फेमस है, तो इधर जो है लिखा रहेगा, तो आपको क्या करना होगा, मिलान यानी कि मैच करना होगा। तो 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ पर मैच करने वाले भी आ जाते हैं, ठीक है, 5 से 6 क्वेश्चन मैच करने वाले भी। तो देखो ये क्या है ना, फिक्स नहीं है, थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन ये पैसेज वाला देखा गया है कि 10 ही होता है, लेकिन ये थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, ठीक है। तो ये मैच करने वाला हो गया। फिर आ गया यहाँ पर ऑर्डर में रखने वाला, ठीक है, ऑर्डर या फिर अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन, ठीक है,
कि अरेंज करिए इसको, ऑर्डर में अरेंज करिए, ठीक है। मान लो पोर्ट सिटीज़ के नाम दे दिया गया, ठीक है, इधर जो है वेस्टर्न कोस्ट पर या फिर ईस्टर्न कोस्ट पर, मान लो पोर्ट सिटीज़ के नाम दे दिया गया, बोला कि उत्तर से दक्षिण में इसको सजाओ, ठीक है, जो है नॉर्थ टू ईस्ट बताओ इसका क्रम क्या होगा। तो ऐसे करके एक लंदन वाला, डरबन वाला, और जो है एक लंदन में कुछ शहर के नाम थे, लंदन था, डरबन था, वो शहर का नाम दिया गया था, उत्तर से दक्षिण में सजाना था। तो ऐसे करके यहाँ पर ऑर्डर वाले भी क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर वाले भी 5 से 6 क्वेश्चन हो गए, और एक और होता है जिसमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है, मल्टीपल स्टेटमेंट्स, ठीक है। जैसे कि मान लो कि पूछेगा बताओ इसमें से जो है कौन कौन से प्राइमरी एक्टिविटीज में आएंगे, तो क्या होगा कि ऑप्शन नंबर ए रहेगा, ठीक है, बी रहेगा, सी रहेगा, डी रहेगा, ठीक है। ऐसे करके तो पहला में यहाँ पर दे देगा मतलब खेती करना, ठीक है, खनन करना, ऐसा करके तो 4 ऑप्शन दे दिए गए। फिर नीचे लिखे रहेगा कि ए बी सी तीनों सही है, ठीक है, ए और बी, केवल ए और बी सही है। तो यहाँ पर अलग अलग स्टेटमेंट दिए होते हैं, मतलब ए बी सी कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट्स रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है, ये तो हमने छोटा छोटा स्टेटमेंट बताया, बड़े बड़े स्टेटमेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। पूछेगा कि बताओ जो है वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ के बारे में या फिर सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के बारे में इसमें से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो वैसे करके हो सकता है पहला दूसरा सही हो, दूसरा तीसरा सही हो, चारों सही हो, वैसे करके यहाँ पर मल्टीपल स्टेटमेंट्स वाले भी आ जाते हैं। तो यहाँ से भी 5-6 लगभग 7-8 क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाते हैं आपके मल्टीपल स्टेटमेंट वाले। तो कुछ इस तरीके से आपका टाइप्स ऑफ क्वेश्चन का यहाँ पर रहता है कि किस किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। ज़्यादातर तो आपका MCQ टाइप वाला ही होता है, और पैसेज आप कर ही लोगे, ठीक है, जो केस स्टडीज़ दिए गए हैं इसमें वहाँ से क्वेश्चन जैसे बनता है, ठीक है। केस स्टडी जहां भी दिया रहेगा उसको हम लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि वहां से पॉसिबिलिटी होता है कि पैसेज वाले क्वेश्चन वहीं से आपके बनेंगे। तो ये हो गया आपका किस प्रकार के क्वेश्चन यहां से आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने सिलेबस के ऊपर, ठीक है, क्योंकि सिलेबस एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है कोई भी एग्जाम अगर आप तैयारी कर रहे हो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, उसका सिलेबस, ठीक है। तो सिलेबस आपको बताता है कि रास्ता आपको तय कैसे करना है, ठीक है, आपको मंजिल जो है आपको बता देता है कि यह मंजिल आपको तय करनी है, रास्ता आप अपना स्ट्रेटेजी खुद से बना सकते हो। मान लो कि कल को लड़ाई हो गई चाइना और भारत के बीच, ठीक है, तो भारत पहले क्या करता है, जैसे मान लो जो भी आपका दुश्मन देश है उसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल आप जो है वो सैटेलाइट की मदद से आप जो है इकट्ठा करते रहते हो कि भाई जो है पाकिस्तान में क्या क्या एक्टिविटीज चल रही है, बॉर्डर पर क्या चल रहा है, चाइना इधर क्या कर रहा है, ठीक है। तो हर चीज, उनकी कमजोरियां क्या है, उनके स्ट्रेंथ्स क्या है, वो सब जो है हम पता करने की कोशिश करते हैं, ताकि कल को अगर युद्ध हो जाए तो हम अच्छे से जो है उनको ईंट का जवाब जो है पत्थर से दिया जा सके। तो हमारा वही जो है सिलेबस ही है वो चीज़ जिसके बारे में हमको जानकारी अपनों पहले से ही सब कुछ जान लेना है कि भाई कहाँ कहाँ पर, कहाँ पर जो है तीर हमको, वो चिड़िया की आँख कहाँ पर है, ठीक है, तीर हमको कहाँ पर लगाना है ताकि उसके आँख में जा कर के लगे। तो ये सिलेबस आपको बताएगा, ठीक है, कि आपको ने स्ट्रेटेजी अपनी कैसे बनानी है, किस सेगमेंट पे ज़्यादा फोकस करना है, तो वो सिलेबस ही है, ठीक है। और सिलेबस तो आप जानते ही हो, अगर आपका ज्योग्राफी रहा है 12th में, इंटरमीडिएट में, तो आपने पढ़ा होगा इसको, ठीक है। अगर नहीं भी पढ़ा है और आप CUT के लिए इसको ऑप्ट करने जा रहे हैं तो डोंट वरी, इसको हम बहुत अच्छे से जो है एक एक चीज़ें आपको इसमें बताएंगे और एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने देंगे, ठीक है। तो एक तो हो गया आपका यहां पर क्या हो गया, सिलेबस, और सिलेबस के साथ साथ PYQ, ठीक है, सिलेबस के साथ साथ प्लस आप कर लेना PYQ, ये दोनों जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली है जो तैयारी में जाने से पहले, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम डायरेक्ट आपको तैयारी में कूद जाना है और आप बुक उठाओगे, जैसे ये बुक हो गया, ठीक है, ये ज्योग्राफी का बुक है, ठीक है, फंडामेंटल सब ज्योग्राफी वाला, तो इसमें आप सीधे ऐसा नहीं करोगे कि सीधा हमने पलटा जो है पहला चैप्टर देखा मानव भूगोल प्रकृति विषय क्षेत्र, ठीक है, नेचर एंड स्कोप, तो सीधा सीधा हम निकाले और पढ़ने बैठ गए। ऐसे अगर पढ़ोगे तो फिर ये स्ट्रेटेजी आपकी अच्छी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि तब आपको इस स्थिति में आप पढ़ तो पूरा लोगे लेकिन आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे, क्योंकि पढ़ने से पहले आपको पता ही नहीं था कि भाई कौन सा चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट था, कहां पर हमको ज्यादा जो है फोकस करना था, ठीक है, वो चिड़िया की आंख आपको पता ही नहीं था पहले से। तो चिड़िया की आंख कैसे पता चलेगी, वो पता चलेगी सिलेबस से, और सिलेबस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा PYQs। तो 2023 के कई सारे शिफ्ट में एग्जाम्स हुए उसमें आप देखोगे, 2024 का पेपर देखोगे, तब आप जा करके उसके बाद आप बुक उठाना, बुक आपको पहले नहीं उठाना है, ठीक है, बुक आपको पहले नहीं उठाना है, पहले आपको PYQ उठाने हैं और साथ ही साथ सिलेबस उठाना है। तो सिलेबस पढ़ना है, सिलेबस के बाद मतलब PYQ पहले देख लोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो PYQ देन सिलेबस, सिलेबस आने के बाद फिर देखोगे कहां से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं,
तब जाके स्ट्रेटेजी बन जाएगी आपकी प्रॉपर, तब आप बुक उठाओगे और एक एक चैप्टर पढ़ते जाओगे, तब आपके दिमाग में रहेगा कि भाई यहां से इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस वाले चीज पे हमको ज्यादा फोकस करना है और उसको आप अपने जो है नोटबुक में नोट डाउन भी कर सकते हो, ठीक है। तो यह स्ट्रेटेजी आपकी थोड़ी सी हमने डिस्कस यहां पर करी है। तो यह रही दो बुक इसमें है, ठीक है, दोनों बुक हमको यहां पर पढ़ने हैं, दोनों में 5-5 यूनिट्स है, ठीक है, 10 यूनिट टोटल है, तो 10 यूनिट को हम लोग कवर करना है। पहला जो बुक है उसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। देखो 11th में या 11th क्लास में आपने फंडामेंटल्स आप जो है फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ा है, क्योंकि आप जानते हो ज्योग्राफी के दो ब्रांचेस, ठीक है, तो दो ब्रांचेस कौन कौन से, मेन ब्रांचेस अगर बात करोगे फिजिकल ज्योग्राफी और एक हो गया आपका जो है ह्यूमन ज्योग्राफी। तो 11th में आपने फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ लिया है, अब यहां पर हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ेंगे। तो क्या हम ह्यूमन ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे तो क्या फिजिकल ज्योग्राफी को पूरा इग्नोर कर देंगे? बिल्कुल नहीं, ठीक है। यहां पर इंटर रिलेशनशिप यहां पर पढ़ेंगे, कैसे जो है वो फिजिकल ज्योग्राफी ह्यूमन ज्योग्राफी को जो है वो अफेक्ट कर रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज को, सोशल कल्चरल इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कैसे अफेक्ट कर रहा है, साथ ही साथ ह्यूमन ने उसको कैसे जो है अपने अनुसार उसको जो है मोल्ड किया है, वो सारी चीजें हम यहां पर देखेंगे। तो दोनों चीजों यहां पर देखना होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको ह्यूमन ज्योग्राफी में सिर्फ ह्यूमन के बारे में पढ़ना, नहीं, फिजिकल ज्योग्राफी भी कैसे उसको अफेक्ट कर रही है वो सारी चीजें हम लोग यहां पर देखेंगे। तो ये जो है पहला बुक है जो कि वर्ल्ड लेवल पर आपको यहां पर बताएगा, ठीक है, इसमें जो है कॉन्सेप्ट भी आप सीखोगे, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट इसमें आप पढ़ोगे, ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में, जैसे जो है पॉसिबिलिज्म का थ्योरी जो है, नियो डिटर्मिनिज्म, वो सारे सब है पहले चैप्टर में ही दिया गया है वो सब, और कुछ जो है ह्यूमन ज्योग्राफी के जो है परिभाषा भी हम लोग यहां पर पढ़ेंगे, डेफिनेशंस दिए गए, रेडजेल ने दिया है, ठीक है, और जो है पॉल बिडाल्डी ला ब्लाचे ने दिया है वो भी हम लोग यहां पर देखेंगे। तो वो सब कुछ इसमें आ जाएगा, ठीक है, इसमें कुछ थियरीज भी पढ़ने होंगे, और वर्ल्ड में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का, कैसे कैसे एक्टिविटीज हो रही है, शहर कौन कौन से हैं, ठीक है, शहर के मतलब सेटलमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के बारे में पढ़ेंगे, तो वो सब कुछ हम इसमें ट्रांसपोर्ट के बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में इसमें पढ़ेंगे वर्ल्ड लेवल पर, ठीक है। देन हम आएंगे यहां पर इंडिया में, तो इंडिया में पीपल और इकोनॉमी कैसे वर्क कर रही है, ठीक है, लोग हैं तो लोगों के जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी करेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, ठीक है, क्वार्टरली वो सब जो है ये देखेंगे, फिर एग्रीकल्चर के बारे में देखेंगे, एग्रीकल्चर में डिटेल में है, फिर शहर कैसे बसे हैं, रूरल अर्बन सेटलमेंट कैसा है, वो सारी चीजें, परिवहन के बारे में, ठीक है, कम्युनिकेशन के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, वो सब कुछ यहां पर इसमें आ जाएगा। तो ये इंडिया के इसमें मिनरल रिसोर्सेज के बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे, इंडस्ट्रीज के बारे में। तो ये हो जाएगा हमारा इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। तो इसमें जो है अपने भारत के बारे में कैसे कैसे ह्यूमन ज्योग्राफी जो है यहाँ पर देखेंगे, और ये जो है वर्ल्ड के बारे में। और देखो दो हम अप्रोच कैसा रहेगा, तो अप्रोच हमारा रहेगा इंटीग्रेटेड अप्रोच, ठीक है, क्योंकि क्या होगा ना, जैसे अभी आगे हम देखेंगे, थोड़ा सा आगे आते हैं, ठीक है, थीके? इसमें देखो ये बुक है, ठीक है, यहाँ पर तो ये देखो जैसे ह्यूमन ज्योग्राफी है, ये तो पहला, ठीक है, ये थोड़ा थ्योरी वाला है। अब ये देखो पीपल यहाँ पे है, ठीक है, ये क्या है, वर्ल्ड वाला है ना, ये जो है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी है, तो ये देखो पीपल है, ठीक है। अब यही वाला देखोगे आप आगे जब यहाँ पर आएंगे हम, जैसे ये 5th यूनिट खत्म हो गया, अब ये इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी में आओगे तो यहाँ पर भी पीपल है, ठीक है। तो हम करेंगे क्या कि पहले पीपल हम पढ़ेंगे वर्ल्ड वाला, ठीक है, जहाँ पर थोड़े से थियरीज भी हमको समझने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो पहले हम वो पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड में कैसा रहता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन को कौन कौन से कारक यानी कौन कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें पढ़ने के बाद, ठीक है, उसके बाद हम आ जाएंगे इंडिया में। तो जो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा पहले, मतलब वर्ल्ड वाला हम पढ़े रहेंगे, वहां से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा कि भाई ये चीजें जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन को, डेंसिटी को जो है, माइग्रेशन को प्रभावित करती है। तो इंडिया वाला हम आराम से समझ लेंगे, तो दोनों को इंटीग्रेट करके चलेंगे तो कम टाइम भी लगेगा और हमारी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी बनेगी, तो दोनों को हम लोग साथ में लेकर के चलेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर देखोगे ये जैसे कि यहां पर पहला यूनिट हो गया, फिर यहां पर देखोगे ना ये जैसे पीपल हो गया सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट में ह्यूमन एक्टिविटीज है, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन ट्रेड है, फिर यहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट है, ठीक है। फिर अब इसमें देखो पीपल है, फिर यहाँ पर देखो ह्यूमन सेटलमेंट इसमें भी है, ठीक है। तो पहले हम वो वाला पढ़ेंगे ह्यूमन सेटलमेंट वर्ल्ड लेवल वाला, फिर हम इंडिया वाला पढ़ेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो रिसोर्स डेवलपमेंट, ये तो अलग चैप्टर हो गया, ठीक है। देखो ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन इंटरनेशनल ट्रेड, तो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन तो पहले भी था वर्ल्ड वाले में, ठीक है, फंडामेंटल ह्यूमन ज्योग्राफी वाले में था, तो यहाँ पर इंडिया वाले में भी है। तो दोनों को क्या करेंगे, पहले उसको पढ़ेंगे तो हमारे थ्योरीज थोड़े से कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएंगे, उसके बाद हम इंडिया वाले को पढ़ेंगे, ठीक है। तो इससे हमारा इंटीग्रेटेड भी होगा और ज्यादा हमको अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी बनेगी, ओके। आगे बढ़ते हैं, अब एक एक करके थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, कहां से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं ये देखते हैं। 5th यूनिट आ गया, ठीक है। तो फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, जैसे यहां पर देखो मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, दूसरा वाला बुक अभी मैं ला नहीं पाया, ठीक है,
ये पहला बुक है। अब इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, तो इसमें पहला जो चैप्टर है वो है हमारा, मतलब पहला यूनिट है ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ह्यूमन ज्योग्राफी शुरू करने से पहले, ह्यूमन ज्योग्राफी को शुरू करने से पहले इसमें आपको जो है पूरा जो है प्रॉपर, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी आपने पढ़ा होगा तो उसमें भी आपको बहुत अच्छे से बताया गया फिजिकल ज्योग्राफी के ब्रांचेस क्लास 11th में। अब 12th में ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी का नेचर क्या है, उसका जो है इन्वायरमेंट से रिलेशनशिप कैसा है, वो सारी चीज़ें देखेंगे, नेचर देखेंगे, फिर उसका कॉन्टेंट देखेंगे कि भाई इसका जो है सब्जेक्ट मैटर क्या है, यानी स्कोप देखेंगे, और स्कोप देखने के बाद मतलब इसके विषय क्षेत्र कौन कौन से हैं, इसमें क्या क्या पढ़ा जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें जो है कुछ इसमें एक और ऐड कर सकते हो लास्ट में, जो है वो एक ऐसे डायग्राम बना करके दिया हुआ है ना, मतलब टेबल बना करके, उसमें जो है अप्रोचेज दिया गया है, ठीक है, अप्रोचेज ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, जैसे रीजनल एनालिसिस करके एक जो है अप्रोच है, एरियल डिफरेंशिएशन वो भी एक अप्रोच है, तो वो सब कुछ हम लोग इसमें देखेंगे, क्योंकि पूछा गया है कि एरियल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, मिलान करने वाले क्वेश्चन में रीजनल एनालिसिस को मिलान करने के लिए पूछा गया है, तो इसको हम लोग देखेंगे, अप्रोचेस, हिंदी में कहते हैं इसको उपागम, ठीक है। तो ये जो है हम लोग कैसे इसको स्टडी कर सकते हैं, ये जो है अप्रोच भी देखेंगे, अप्रोच क्या रहने वाला, स्टडी कैसे करेंगे, वो तरीका हमारा क्या होगा, वो चीज़ें। तो ये इसमें हम नेचर देखेंगे, स्कोप देखेंगे, और यहाँ पर अप्रोच देखेंगे। अब इसमें अगर हम क्वेश्चन की बात करें कि क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, तो लगभग 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है, इस वाले यूनिट से, नेचर, स्कोप और अप्रोच, ठीक है। यहाँ से आपको जो है 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो अच्छे से हम इसको पढ़ेंगे, और ये आपका जो है बेसिक थोड़ा बना देगा ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में, कुछ डेफिनेशंस भी हैं और इसका रिलेशनशिप कैसे है ह्यूमन ज्योग्राफी के साथ, क्योंकि ज्योग्राफी आप जानोगे, जैसे ये ज्योग्राफी, एक सेकेंड, ठीक है, थोड़ी लाइट कट गई है, ठीक है, एक मिनट बस, तो हम बात कर रहे थे ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में, ठीक है। तो ज्योग्राफी, आप जैसे अर्थ को देखोगे तो अर्थ हम लोग क्या कहते हैं, ज्योग्राफी का मतलब क्या है, ज्योग्राफी का मतलब है, मतलब सिंपल एकदम देखेंगे, जिसको जो है इरेटोस्थनीज ने जो है पहली बार जो है, एक ग्रीक स्कॉलर थे जिन्होंने दिया था, जियो प्लस ग्राफिया, मतलब डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। तो क्या किसका डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन आर अर्थ फीचर्स, तो अर्थ के फीचर्स में कौन कौन से फीचर्स आ जाएंगे, तो दो प्रकार के फीचर्स मेनली, एक तो जो है इन्वायरमेंट वाले यानी प्राकृतिक फीचर्स, और एक हो जाएंगे ह्यूमन वाले, ठीक है, ह्यूमन बींग्स, यानी जैसे रोड हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है, एग्रीकल्चर हो गया, सेटलमेंट हो गया, ये सारी चीजें। तो ये दोनों चीजें हम मेनली जो है इसमें देखते हैं। तो ये आ गया, ठीक है, यहां से, ठीक है, थोड़ा सा आगे जाना होगा, ओके, यहां पर हम थे, ठीक है, यहां पर। तो इसमें बात कर रहे थे कि अर्थ के फीचर्स के बारे में, तो जो है इसको स्टडी करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर हम लोग ह्यूमन वाले एस्पेक्ट्स को देखने वाले अच्छे से, और आपका एक जो है प्रॉपर एक ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में पूरा आइडिया आपको लग जाएगा कि ह्यूमन ज्योग्राफी एक्चुअल में है क्या, ठीक है। फिजिकल के बारे में तो आप 11th में पढ़ ही चुके हो, तो अच्छे से पढ़ेंगे। अभी आप अगर बोर्ड का भी तैयारी कर रहे हो, अगर आप ज्योग्राफी लिए हो, ठीक है, अगर आप बोर्ड में पढ़ रहे हो, ठीक है, आप आर्ट साइड से पढ़ रहे हो, तो आपको उसमें भी मदद हो जाएगी, क्योंकि हम यहाँ पर बहुत डिटेल में अच्छे से डिस्कशन करेंगे हर टॉपिक के बारे में, ओके, आगे बढ़ते हैं। यहां पर जो है दूसरा यूनिट आपका है पीपल के बारे में, ठीक है। तो पीपल में पढ़ेंगे क्या, तो पीपल में मतलब यहां पर हम पॉपुलेशन के बारे में यहां पर बात करेंगे, ठीक है, कि पॉपुलेशन जो है वो वर्ल्ड में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है उसका, ठीक है, क्योंकि ज्योग्राफी का मतलब अगर बहुत सिंपल में बताया जाए तो ज्योग्राफी इज स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिजिकल फीचर्स, फिजिकल या फिर मैन मेड फीचर्स, ठीक है, दोनों मिला भी सकते हो उसमें। तो फिजिकल फीचर्स में जैसे हम देखेंगे, तो फिजिकल फीचर्स में हम क्या क्या, जैसे कहीं पर लैंड है, कहीं पर प्लेन है, ठीक है, कहीं पर जो है पहाड़ है, कहीं पर प्लेटू है, वो फिजिकल फीचर्स हो गए। वैसे ही यहां पर पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन, कि अर्थ सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है, ठीक है। पोलर रीजन में देखेंगे तो बहुत कम लोग रहेंगे, डिजर्ट्स में देखोगे तो वहां पर काफी कम लोग देखने को मिलेंगे, लेकिन वहीं पर अगर गंगा के मैदान में आप आ जाओ, ठीक है, सिंधु के मैदान में आ जाओ, ठीक है, सिंधु में आप जानते हो कि जो है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वहां पर डेवलप हुई, क्यों हुई, क्योंकि वहां पर देखो नदियां हैं उतना, तो जो भी जो है एंशियंट सिविलाइजेशन वहां पर डेवलप हुए हैं, नील नदी के किनारे हो, दजला फरात नदी के किनारे हो, चाइना में देखो, ठीक है, तो सारे के सारे सिविलाइजेशन जो है वो नदियों के किनारे ही डेवलप हुए। तो नदी यानी कि जो है फ्रेश वाटर होना चाहिए सेटलमेंट के लिए, मतलब वहां पर लोग ज्यादा रहेंगे जहां पर प्लेन एरिया हो, ठीक है, ट्रांसपोर्ट हो, कम्युनिकेशन हो अच्छा, ठीक है, और पानी की उपलब्धता हो, वो सारी चीजें होगी, एग्रीकल्चर भी अच्छा होगा, तो वहां पर ज्यादा लोग बसेंगे, ठीक है। तो गंगा के मैदान में बहुत सारे लोग रहते हैं देखोगे, ठीक है। पोलर रीजन में चले जाओ, साइबेरिया में, तो आपको बहुत कम लोग देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, डेंसिटी
डेंसिटी भी देखेंगे, जैसे बिहार में देखोगे बहुत क्यों है वहां पर इतना ज्यादा डेंसिटी, ठीक है, ये देखेंगे, राजस्थान में कम क्यों है, वो सब कुछ भी हम लोग देखेंगे, और वर्ल्ड लेवल पर भी देखेंगे कि वर्ल्ड में जो है अंटार्कटिका में जो है आर्कटिक रीजन में जो है कम लोग क्यों है, वो सब कुछ डेंसिटी कम क्यों है, और ग्रोथ कैसे होता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर प्लेस का जो है वो पॉपुलेशन ग्रो कैसे करती है, ठीक है, तो माइग्रेशन इस सब में आ जाएगा, तो वो सब भी देखेंगे, ठीक है। पॉपुलेशन चेंज कैसे होता है, ठीक है, तो पॉपुलेशन चेंज कैसे होगा, जैसे कि मान लो कैसे चेंज होगा, ठीक है, चेंज होगा जैसे माइग्रेट करोगे, यहाँ से माइग्रेट करके चले, जैसे दिल्ली में चेंज हो रहा है, ठीक है, पैटर्न चेंज हो रहा है उसका, तो वो सब कुछ हम लोग देखेंगे, ठीक है। एज सेक्स रेशियो, यहां से क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है, रूरल अर्बन कंपोजिशन, तो ये एज सेक्स रेशियो जो है उसमें क्या है कि अभी ऑस्ट्रेलिया वाला पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑस्ट्रेलिया का कैसा शेप है, ठीक है, बेल शेप वाला कुछ पूछा गया था, ट्रायंगुलर शेप वाला भी पूछा गया है, तो ये सब कुछ पूछा जाता है यहां पर, देखेंगे पिरामिड के बारे में यहां पर सीखेंगे, और यहां से डायग्राम बना करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसमें आपको मेनली एग्जांपल्स आपको ध्यान रखने होंगे कि जो है कि बेल शेप किसका है, ठीक है, ट्रायंगुलर किसका है, सॉरी, तो ये सब कुछ यहाँ पर देखेंगे, एग्जाम्पल्स हमको ध्यान रखने हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है और यहाँ पर सिलेक्टेड इंडिकेटर्स, और यहाँ पर जो है HDI के बारे में देखेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, और कंपैरिजन भी यहाँ पर देखेंगे, तो वो सब कुछ जब हम पढ़ेंगे तो अच्छे से यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, और MCQ भी हम लोग साथ ही साथ डिस्कशन करते चलेंगे। अब यहाँ पर एक्टिविटीज़ के बारे में, ह्यूमन एक्टिविटीज़, तो ह्यूमन जब जैसे सभ्यता का विकास हुआ, जैसे आदिमानव के बारे में, ठीक है, तो आदिमानव देखोगे तो आदिमानव पहले क्या करते थे, आखेट करते थे, यानी शिकार करते थे, और यहाँ पर हंटिंग गैदरिंग वो सब आपने पढ़ा होगा, ठीक है, हिस्ट्री में, तो जब जो फर्स्ट फेज था, मतलब जहाँ पर हम लोग एकदम आदिमानव थे, तो वहाँ पर हमने क्या किया कि भाई कुछ भी फल फूल तोड़ के खा लो, ठीक है, वो सारी चीज़ें, तो फर्स्ट फेज में हम लोग कहते हैं इसको प्राइमरी एक्टिविटीज़, ठीक है, जहाँ पर पहला फेज चल रहा था ह्यूमन का, ठीक है, डेवलपमेंट का पहला फेज, तो वहाँ पर हमने प्राइमरी एक्टिविटीज़ करना शुरू किया, फिर खेती किया, ठीक है, माइनिंग, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगे, तो इसमें देखेंगे, इसमें मेनली क्या होता है कि पूछ दिया जाता है कि इसमें से कौन सा जो है प्राइमरी एक्टिविटीज नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो उसको हम लोग टिक कर लेंगे। सेकेंडरी एक्टिविटीज भी देखेंगे हम लोग, ठीक है, तो उसके बाद जो है सेकेंड जो है फेज स्टार्ट हुआ, वहां पर हमने क्या किया कि जो है मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दिया, ठीक है, जैसे कार बनाना हो गया तो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दिया, ठीक है, कपड़ा बनाना स्टार्ट कर दिया, तो ये जो है एग्रो प्रोसेसिंग, ये सब जो है हाउस होल्ड, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज क्या होती है, तो यहां पर इंडस्ट्रीज का जो है वो क्लासिफिकेशन भी हम लोग देखेंगे कि इंडस्ट्रीज को कैसे कैसे किस किस आधार पर किस किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन यहां पे किया गया, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें इसमें भी सीखने वाली है, यानी कि सेकेंडरी एक्टिविटीज में भी देखेंगे, प्राइमरी एक्टिविटीज, फिर टर्शियरी एक्टिविटीज जहां पर आपका जो है विनिमय व्यापार वो सारी चीजें आ जाती है, फिर हम लोग क्वार्टरनी देखेंगे, फिर क्वेनरी भी देखेंगे, ठीक है, तो सब कुछ इसमें हम लोग कवर करेंगे, तो ये हमारे एक्टिविटीज हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन है तो ह्यूमन जो है कोई ना कोई एक्टिविटीज तो करेगा ही, कमाने के लिए, आय के लिए, पैसा कमाने के लिए, ठीक है, पैसे रहेंगे तभी तो वो जो है अपनी एक्टिविटीज आप परफॉर्म कर पाओगे अच्छे से, पढ़ाई करना है तो पढ़ाई करने के लिए आपको पैसे चाहिए होंगे, तो वो कहां से लाओगे, तो आपको कोई ना कोई एक्टिविटीज तो परफॉर्म करना ही पड़ेगा, ठीक है, चाहे आप प्राइमरी करो चाहे सेकेंडरी करो, ठीक है, वो सब चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन जो है आ रहे हैं, अच्छा एक सेकेंड, क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन तो हमने देखा ही नहीं, ठीक है, पहले वाले में हमने बताया था कि पहले वाले में 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, पहले वाला चैप्टर जो हमने देखा था 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है, आगे हम देखेंगे पीपल, तो यहाँ से ना यहाँ से देखो इसमें देखो कई सारे चैप्टर्स आए थे, ठीक है, ये वाला आ गया, ठीक है, ये वाला आ गया, तो इसमें जो है काफ़ी ये थोड़ा लेंदी भी हो जाएगा, तो यहाँ से जो है हम लोग क्या करेंगे, लगभग आप देखोगे 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है, ऐसा नहीं है कि हर शिफ्ट में 8 से 10 ही आएगा, किसी में 5 भी, किसी में 6 में भी, लेकिन एवरेज देखोगे तो 8 क्वेश्चन लगभग यहाँ पर रह रहा है, तो ये बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है, तो ये वाला चैप्टर आपको काफ़ी ध्यान से पढ़ना है, हालांकि सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी चैप्टर से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो सब पढ़ना तो हमको सब कुछ है, लेकिन पीपल वाले में जैसे कि ज़्यादा हमको वहाँ पर फोकस करना है। इसमें आप देखोगे तो जैसे प्राइमरी एक्टिविटीज़ का अलग चैप्टर है, सेकेंडरी एक्टिविटीज़, तो यहाँ से भी 6 क्वेश्चन के आसपास देखने को मिल जाएंगे ह्यूमन एक्टिविटीज में, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये हो गया ह्यूमन एक्टिविटीज, थर्ड हो गया ना, ठीक है, थर्ड यूनिट, अब फोर्थ यूनिट आ जाए ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, तो यहां से भी क्वेश्चन आपको बन रहे हैं, जैसे लैंड ट्रांसपोर्ट, रोड, रेलवेज के बारे में पढ़ेंगे, रेल नेटवर्क, ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज, ठीक है, तो ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, पर्थ से यहां पर जो है सॉरी सिडनी टू पर्थ ऐसे करके है ना,
ऑस्ट्रेलिया में है, इधर आपका रसिया में है, कई सारे रेल नेटवर्क, रोड नेटवर्क, लंबे लंबे ट्रांस कंटिनेंटल, ठीक है, एक कंटिनेंट के एक साइड से दूसरे साइड तक। तो ये सब जो है कैसे कैसे हैं वो भी हम लोग देखेंगे। और यहाँ पर रोड्स के बारे में, रेलवेज के बारे में, रेल नेटवर्क के बारे में, ये लैंड वाला हो जाएगा। फिर यहाँ पर वाटर ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, ठीक है, इनलैंड होता है, एक होता है ओशनिक रूट्स होते हैं। तो इंपॉर्टेंट ओशनिक रूट्स कौन सा है इंडिया में, कौन कौन सा, नेशनल वाटरवे 1, नेशनल वाटरवे 2, 3, ऐसे 4 मिलान करने के लिए भी क्वेश्चन आया हुआ एक्ट हो, वो भी हम लोग देखेंगे। एयर ट्रांसपोर्ट देखेंगे हम लोग, यहाँ पर ऑयल गैस पाइपलाइन के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो ये वाला बेहद इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, जैसे तापी पाइपलाइन है उसमें जो है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन भी है, तो ये वाला भी देखेंगे। और एक और है, एक इंपॉर्टेंट टर्म है इसमें, वो वाला भी देखेंगे, वहाँ से क्वेश्चन एक बार बन चुका है, ठीक है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बारे में देखेंगे, साइबर स्पेस के बारे में भी दिया गया है, और इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 4-5 क्वेश्चन यहाँ से भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये रहा अब हमारा ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में, ठीक है। तो यहाँ से भी मेगा सिटीज़ के बारे में, ठीक है, ये सब क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है। केस स्टडी को इसलिए ध्यान में रखना है क्योंकि केस स्टडी में क्या होता है, कई बार पैसेज वाले क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, तो एक बार इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, केस स्टडीज़ को भी ध्यान में देखेंगे। मेगा सिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट, जब मनुष्य कहीं पर रहता है, ठीक है, सेटलमेंट अपना बनाता है, चाहे अर्बन हो, रूरल हो, कहीं पे जब वो रहता है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, वो यहां पे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ है, तो ह्यूमन सेटलमेंट से भी काफी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा नहीं मतलब 5-6 क्वेश्चन यहां से भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो वही मतलब देखो, अब ये फिक्स तो है नहीं, ठीक है, अलग अलग शिफ्ट में देखोगे तो किसी में 3 क्वेश्चन, किसी में 0 क्वेश्चन भी आए, किसी में 1 क्वेश्चन, किसी में 5 क्वेश्चन, किसी में बढ़ा दिया क्वेश्चन। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सारे चैप्टर्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, सारे के सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि कहा नहीं जा सकता कि किस चैप्टर से कब ज़्यादा क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि सर मतलब वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट ही हो गए, ठीक है। तो मतलब सभी को ध्यान में रखना है, सभी को पढ़ना है हमको अच्छे से, ओके। चलो, पीपल एंड इकोनॉमी, तो यहाँ पर फिर से पीपल आ गया, ठीक है। तो वही चीज़ है, हम लोग अब जो है, पहले हमने वर्ल्ड लेवल पे पढ़ा, अब हम लोग इंडिया के लेवल पढ़ेंगे कि इंडिया में कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, डेंसिटी है, माइग्रेशन कहाँ से कहाँ हो रहा है, रूरल टू अर्बन, अर्बन टू रूरल, ठीक है। महिलाएं किस कारण से जो है माइग्रेट करती हैं, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि महिला जो है शादी की वजह से जो है मतलब विवाह के बाद सबसे ज़्यादा माइग्रेशन होता है महिलाओं का, विवाह के कारण, ठीक है। तो वो जो है वो देखेंगे, वो जो है MCQ में पूछा भी जा सकता है। तो यहाँ पर माइग्रेशन का क्या क्या कारण होता है, नेशनल, इंटरनेशनल, काजेज एंड कॉन्सिक्वेंस, इसके क्या परिणाम होते हैं, ठीक है, पुश फैक्टर, पुल फैक्टर, हालांकि जो है उस वाले में यानी वर्ल्ड लेवल वाले में जो पीपल वाला चैप्टर है वहां पर भी हम लोग पुश और पुल वाला पढ़ लेंगे, ठीक है। तो हमारा जो है कॉन्सेप्ट वैसे भी क्लियर रहेगा, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में पहले भी पढ़ा था, इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट को इंडिकेट करने वाला क्या क्या चीज़ है, जैसे कि मतलब भूटान ऐसा देश है जहां पर हैप्पीनेस इंडेक्स को वो जो है अपना जो है डेवलपमेंट का इंडिकेटर मानता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये भी बना हुआ है, ठीक है, तो MCQ में। पॉपुलेशन के बारे में, इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है, पॉपुलेशन, इन्वायरमेंट के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, डेवलपमेंट वृद्धि, हालांकि जो फंडामेंटल वाले में वहीं पर जो है एक चैप्टर है उसी में जो है चैप्टर में दिया हुआ है डेवलपमेंट क्या होता है और जो है वो क्या होता है वृद्धि और विकास क्या होता है, वो सब चीज़ उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसे यहाँ भी पढ़ेंगे उसको। अब आ जाते हैं ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में, तो पीछे भी हमने पढ़ा था ह्यूमन सेटलमेंट, यहाँ भी पढ़ेंगे, अब इंडिया के लेवल में पढ़ेंगे। तो रूरल सेटलमेंट के टाइप, लीनियर टाइप होता है, ठीक है, कई सारे टाइप्स होते हैं, तो वो देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ठीक है, अर्बन सेटलमेंट, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन और फंक्शनल क्लासिफिकेशन, ठीक है, कार्य के आधार पर कैसे जो है क्लासिफिकेशन किया गया है, तो क्लासिफिकेशन भी हम लोग देखेंगे, और यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना, सबको पढ़ना है हमको। आगे, रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, तो कौन कौन से संसाधन हैं और डेवलपमेंट कैसे हो रहा है वो सब कुछ यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो लैंड रिसोर्स में यहाँ पर देखो, एग्रीकल्चर लैंड यूज़ और एग्रीकल्चर लैंड यूज, ये दोनों में डिफरेंस होता है, क्लास के टाइम पर इसको समझेंगे। मेजर क्रॉप्स कौन कौन से, खरीफ क्रॉप, वो सारी चीज़ें जानते हो ना, खरीफ, जायद, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे यहाँ पर। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, प्रॉब्लम क्या क्या है एग्रीकल्चर के साथ साथ, मतलब सिंचाई का प्रॉब्लम है कहाँ कहाँ पर, ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है, वो सारी चीज़ें इसमें देखेंगे, ठीक है। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, ठीक है, ये सब भी हम लोग देखेंगे कि कॉमन प्रॉपर्टी क्या होता है। फिर वाटर रिसोर्स के बारे में देखेंगे, ठीक है, तो वाटर रिसोर्स से भी क्वेश्चन पूछा गया है, लैंड रिसोर्स से भी पूछा गया है, मिनरल एनर्जी से भी पूछा गया है, यहाँ से जो है डायग्राम बना करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो ये सब कुछ जो है, इरीगेशन कैसा है, डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल, अदर यूजेस परपज के लिए, किसके किसके परपज के लिए हम लोग वाटर का यूज करते हैं, वाटर की कमी होने लग रही है, ठीक है, कंजर्वेशन कैसे करते हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं, वो सब कुछ इसमें देखा जाएगा, ठीक है।
और मिनरल में तो जानते ही हो, डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा मिनरल पाया जाता है और ये पूछा जाता है, ठीक है, ये जो है पूछा जाता है, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज कौन कौन से हैं वो भी देखेंगे। इंडस्ट्रीज़ के बारे में, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ के बारे में देखेंगे। इंडस्ट्रीज़ जो हम लोकेशन डिसाइड करते हैं इंडस्ट्रीज़ के लिए, तो वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी भी इंडस्ट्रीज़ को लगाने के लिए फैक्टर्स उसको डिसाइड करते हैं, तो ये सब देखेंगे। जैसे मार्केट हो गया, लेबर हो गया, ठीक है, लैंड हो गया, वो सब कुछ यहाँ पर डिमांड हो गया, वो सारी चीज़ें होती हैं, वो भी देखेंगे। और जैसे कॉटन टेक्सटाइल है, ये शुगर इंडस्ट्री है, ठीक है, ये सब कुछ देखेंगे और कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है। अब जैसे कि फर्स्ट आयरन एंड स्टील कब लगा था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। कॉटन, फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल कब लगा, कहाँ लगा, ये सब कुछ भी देखा जाएगा, ठीक है, मतलब पढ़ा जाएगा। देखने का मतलब सिर्फ देखना नहीं है, पढ़ना है उसको अच्छे से, ठीक है। यहाँ पर देखो, लिबरलाइजेशन का इंपैक्ट क्या है, प्राइवेटाइजेशन का इंपैक्ट क्या हुआ है, ये सब कुछ भी देखेंगे। ग्लोबलाइजेशन, इंडस्ट्रियल लोकेशन, इंडस्ट्रियल लोकेशन वही जो हमने अभी डिस्कस किया था, ठीक है। प्लानिंग इन इंडिया, तो प्लानिंग कैसे रह रही है, जैसे चंडीगढ़ एक सिटी है, ठीक है, अभी तो उसका भी प्लानिंग चल रहा है, हड़प्पा जो हड़प्पा शहर था, ठीक है, उसके बेसिस पर जो है उसको कुछ चीज़ें जो है हड़प्पा की चीज़ें ली गई हैं चंडीगढ़ की प्लानिंग में, तो वो सब कुछ भी मतलब प्लानिंग कैसे की जाती है, केस स्टडी दिया गया, तो ये पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से पैसेज का सवाल बन सकता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में यहाँ पर भी एक केस स्टडी है, तो केस स्टडी को हमको पढ़ना है क्योंकि वहाँ से पैसेज के सवाल बन सकते हैं। तो ये सब कुछ हो गया हमारा, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक जैसे इंडस्ट्री के बारे में, तो इंडस्ट्री फूड लूज इंडस्ट्री क्या होता है, इसके बारे में सवाल बन चुका है, तो वो सब कुछ देखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, तो जैसे पीछे भी पढ़ा था हमने ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन के बारे में, और यहाँ पर भी आ गया फिर से, तो ये देखेंगे हम लोग। ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट क्या होता है और कम्युनिकेशन क्या होता है, दोनों में अंतर क्या है, ये सब भी समझेंगे, ठीक है। ट्रांसपोर्ट कब से विकास हुआ है, कम्युनिकेशन हालांकि उस वाले बुक में जो फंडामेंटल्स वाले में बताया गया थोड़ा सा इतिहास के बारे में, कि ट्रांसपोर्टेशन पहले जो है ह्यूमन के द्वारा किया जाता था, फिर धीरे धीरे जो है वो बैलगाड़ी ये सब आए, ठीक है, फिर जो है हमारे पास जो है अब तो बहुत सारे आ गए हैं ट्रांसपोर्ट करने के, बहुत सारे तरीके हो गए हैं, आप जो है रोड के द्वारा, रेलवे के द्वारा, वाटरवेज, ठीक है, पाइपलाइन के द्वारा, ठीक है, एयर वेज के द्वारा, ठीक है, कर सकते हो ट्रांसपोर्ट। नेशनल जो है इलेक्ट्रिक ग्रिड के बारे में पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन नेटवर्किंग, रेडियो, टेलीविजन, सैटेलाइट और इंटरनेट, ठीक है। तो इनका विकास कैसे हुआ है ना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी पूछा गया है, ठीक है, जो ऑर्डर में लगाने वाला, तो पहले क्या विकास हुआ, रेडियो, टेलीविजन, सैटेलाइट, ये सब इसका भी पूछा गया, तो ये भी देखेंगे। इनके जो है हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में, ठीक है, फॉरेन ट्रेड इंडिया का कैसे चेंज हो रहा है, उसका पैटर्न कैसे बदल रहा है, ये देखेंगे। सी पोर्ट्स एंड देयर इंटर जो है हिंटरलैंड एंड एयरपोर्ट्स, तो ये सब भी देखेंगे। जैसे ऑर्डर वाला बताया ना कि एयरपोर्ट्स का दे सकता है या फिर जो है पोर्ट्स का दे सकता है, कि कैसे जो है यहाँ पर जो है उत्तर से दक्षिण में जो है ऑर्डर में लगाओ, और जो है अभी जो है हल्दिया जो है उसके बारे में पूछा गया था, कोलकाता जो है हमारा पोर्ट है उसके बारे में भी, तो ये सारे क्वेश्चन इसमें आते हैं, तो पोर्ट्स के बारे में हमको खास करके बहुत अच्छे से कवर करना है इसको, ठीक है, पोर्ट्स वाला क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब ये लास्ट यूनिट आ गया हमारा, ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स, तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं और कुछ इश्यूज हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे इन्वायरमेंट पोल्यूशन बढ़ रहा है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, अर्बन वेस्ट डिस्पोजल, अर्बन मतलब शहर में देखोगे तो कचरा जो है, इतना कचरा देखते हो आप ना कहीं पर भी, पानी जो है इधर देखोगे तो अभी जो है हमारा जहाँ पर स्टूडियो इसके इधर जो है वाटर लॉगिंग होता रहता है, यहाँ पे वाटर कहीं पर जा ही नहीं पाता, बेचारा जो है फंस के रह जाता है, कल बारिश हुआ जो है पानी जो है यहाँ पर भर गया, तो ये प्रॉब्लम कैसे दूर किया जाएगा, कचरा जो जितने भी जैसे कि ये जो है हमारे जो है ये वेस्ट कैसे डिस्पोज करोगे, ये सारी चीज़ें। धारावी के बारे में, जो मुंबई में जो है दुनिया का सबसे बड़ा जो है स्लम एरिया है, उसके बारे में जो है क्वेश्चन एक पूछा गया है, तो वो चीज़ भी जो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है, पॉल्यूशन का प्रॉब्लम है और वेस्ट डिस्पोजल का, तो इसको कैसे हम लोग समाधान करेंगे इसको देखेंगे। अर्बनाइजेशन के देखेंगे, ठीक है, रूरल अर्बन, माइग्रेशन देखेंगे, हालांकि माइग्रेशन के बारे में पीछे भी हम लोग पढ़े, ठीक है, तो यहाँ पर बहुत आसान हो जाएगा ये चीज़ समझना, बस कुछ एग्जांपल्स हमको ध्यान रखने होंगे, ठीक है, वो चीज़ देखेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। फिर प्रॉब्लम्स ऑफ स्लम्स, ये स्लम्स यहीं से क्वेश्चन जो है धारावी वाला हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लैंड डिग्रेडेशन, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, अभी जो है सेव सॉयल करके एक मूवमेंट भी चलाया है, क्या नाम है उनका, एक जो है बाबा जी, क्या नाम है उनका, ठीक है, तो उन्होंने चलाया, बहुत बड़ा, बहुत बढ़िया मूवमेंट है, ठीक है, क्योंकि लैंड जो है वो अब, लैंड की जो प्रोडक्टिविटी थी पहले बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, अब जो है घट रही है, क्योंकि हमने जो है इतना ज़्यादा पेस्टिसाइड्स और इतने ज़्यादा जो है वो फर्टिलाइजर्स का यूज करें कि लैंड का जो है वो उपजाऊपन था वो अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें हो रही हैं। तो
इसका भी प्रॉब्लम देखेंगे और प्रॉब्लम के साथ साथ सॉल्यूशंस भी यहाँ पर देखा जाएगा। तो ये सब इन्वायरमेंट क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है उसके बारे में अगर होगा तो देखेंगे बुक में। तो प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे हैं लेकिन जो बुक में है वो हमको खास करके पढ़ने हैं क्योंकि यहीं से क्वेश्चन हमारे बनेंगे। मेन हमारा फोकस है भाई, क्यों हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन ज्योग्राफी, इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमको नंबर लाने हैं, 100% बनाना है। 100% नहीं मतलब 200 में से 200 नंबर हमको लेकर के आना है। क्योंकि देखो 200 में से 200 नहीं ला रहे हो, अगर अच्छे से पढ़ रहे हो 200 में से 200 नहीं ला रहे हो तो कैसे हो पाएगा? क्योंकि देखो 50 क्वेश्चन है, 50 में से 40 ही बनाने, तो 10 तो हो सकता है कि अगर टफ क्वेश्चन मान लो आ गए 10 ठो तो आप वो तो छोड़ भी सकते हो ना, आपको 40 ही बनाने हैं। तो भाई 40 कैसे नहीं बनेगा? तो हम लोग ऐसा मतलब MCQ भी लेकर चलेंगे साथ में और पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, कॉन्सेप्ट के बाद उस चैप्टर से कौन कौन से MCQ बन सकते हैं, PYQ में कौन कौन से पूछे गए थे, वो सारी चीज़ें हम लोग अपने पेड क्लासेस में डिस्कस कर रहे होंगे आने वाले दिनों में, ठीक है। और कल भी हम लोग सोच रहे हैं कि आज जो है, आज हो सकता है आज क्लास होगा, नहीं तो कल जो है आपका, आज ये सिलेबस हो गया, कल से हम लोग जो है फर्स्ट चैप्टर अपना नेचर और स्कोप अप्रोच वाला चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो फिर हम उसमें क्या करेंगे, MCQ भी देखेंगे और MCQ देखेंगे जो कि चैप्टर से बन सकते हैं, ठीक है, मतलब अपने अनुसार बना के, ठीक है, कि कहां कहां से क्वेश्चन बन सकता है, और PYQ वाले सारे क्वेश्चन, किसी भी चैप्टर से जितने PYQ में क्वेश्चन आ गए हैं वो सब कुछ भी देखेंगे। तो पहले पढ़ेंगे, फिर ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसिव लर्निंग कर रहे हैं, मतलब बस पढ़ रहे हैं पढ़ के चले गए, पता नहीं चला क्वेश्चन कैसा आ रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, तो पढ़ने से काम नहीं चलेगा। हमको जो है एक्टिव लर्निंग करनी है, हमको पढ़ना भी है, MCQ भी लगाना है, और MCQ भी लगाना है क्योंकि लिखना तो है नहीं हमको, तो मतलब डिस्क्रिप्टिव आंसर तो लिखने नहीं है, तो हम ज़्यादातर क्या करेंगे MCQ पर अपना फोकस रखेंगे, ठीक ठाक फोकस रखेंगे ताकि एक भी क्वेश्चन आपका ना छूटे। मतलब 50 में से 40 बनाने हैं तो हर बच्चा का कोशिश होना चाहिए कि भाई 40 क्वेश्चन हमसे बने। तो ये जो है हमारा टारगेट रहने वाला है हमारे पेड कोर्स में जो है, आप चाहो तो जो है हमारे साथ जुड़ भी सकते हो और जो है शानदार तरीके से तैयारी कर सकते हो। तो हमने जो है ज्योग्राफी के सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया आज के सेशन में, कल हमने जो है यहाँ पर डिस्कस किया था रीजनिंग के सिलेबस के बारे में। तो रीजनिंग में तो चिंता मत करो, रीजनिंग में तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा है अभी तक, मतलब जितना भी साल से हम पढ़ा रहे हैं, 4 साल हो गया, ठीक है, तो 4 साल में से अभी भी जितना भी पढ़ाया है क्वेश्चन नहीं छूटे एक भी। तो ज्योग्राफी में भी, क्योंकि ज्योग्राफी हमने जो है 1 साल पढ़ाया है, बट उस बार हमने जनरल ज्योग्राफी पढ़ाया था, ठीक है, डोमेन का नहीं पढ़ाया था, लेकिन इस बार हम डोमेन लेकर के आ रहे हैं आप सभी के लिए और बहुत शानदार तरीके से, सबसे अच्छा तरीका जो हो सकता है पढ़ने का वो हम लोग यहाँ पर कोशिश करेंगे उस तरीके से पढ़ेंगे, और प्रॉपर स्ट्रेटेजी, प्रॉपर प्लानिंग के साथ और प्रॉपर टाइम लिमिट में हम इसको ख़त्म भी कर देंगे, ठीक है। तो चिंता नहीं करना है, अगर आप ज्योग्राफी डोमेन लिए हो तो हमारे साथ जुड़ो और आराम से तैयारी करो। आपको अगर आप बोर्ड का भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो बोर्ड में भी आपको बहुत हेल्प हो जाएगी, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा। आई होप कि आपको ये सिलेबस का वीडियो समझ में आया होगा और पसंद आया होगा, आप अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कर दीजिएगा। थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब है तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।